पूरी 4 साल बाद अश्विन कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए अश्विन काम करता था। अश्विन अपने देश अपने घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही अश्विन की नजरें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी उसने अपने माँ बाप, भाई, भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए, लेकिन उसकी नजरें शोभा को खोज रही थी। वो सोचने लगा कि ये शोभा मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। अश्विन एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी, वरना तो कोई काम करती कहाँ है। अश्विन ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची, वो तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अश्विन अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश था, लेकिन ये बात कि शोभा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उससे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज्यादा जरूरी था, मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अश्विन उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ, सब घर पहुँच गए। गाड़ी की आवाज सुनकर शोभा बालकनी में खड़ी हो गई और अश्विन की तरफ देखने लगे। अश्विन भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ देखा और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वो शोभा को ही देखना चाहता हो। अश्विन से नजरें मिलते ही शोभा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। अश्विन भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर आए, शोभा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चले गए चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद अश्विन शोभा को बुलाने लगा। माँ ने उस बीच टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी, तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है। अश्विन यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा, उसको इतना काम आज थोड़ा सा करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। अश्विन अपने परिवार वालों से बातचीत में मग्न हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अश्विन को मिलने आते रहे और शोभा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली शोभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे, सिवाय शोभा के। अश्विन चाहता था कि शोभा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद शोभा ने अकेली खाना खाया। रात को सोने के वक्त अश्विन और शोभा अच्छे से मिल पाए। अश्विन शोभा के साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने शोभा को परेशान ना करने का फैसला किया, उसे सोने दिया। शोभा सोने ही वाली थी कि उसकी बेटी बच्ची रोने लगी, तो शोभा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। अश्विन कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज आने लगी तो अश्विन उठा और शोभा को पुकारने लगा। जब शोभा पास नहीं देखी तो उसने बच्चे को चुप कराया और फिर से सुला दिया। अश्विन बाद में शोभा को देखने लगा तो शोभा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब अश्विन सोचने लगा कि माँ और दीदी तो कहती थी कि शोभा ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अश्विन अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोलना चाहता था कि शोभा से ज्यादा काम ना करवाया करो, इसलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया था। अश्विन के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा। पहले जहां उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी। अश्विन ने कुछ ही दिनों में ये महसूस कर लिया कि शोभा अब तो वो शोभा नहीं रही थी जिसे अश्विन शादी करके लाया था, वो तो कोई और ही थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये शोभा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है, ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हो। अश्विन शोभा को उसके काम में ज्यादा मदद करने लगा। अश्विन का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर अश्विन को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उसे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़ी ना लगता है। और सोचो आगे चलकर शोभा को तुम्हारे हेल्थ की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। अश्विन हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने अश्विन को समझाया था, अश्विन उनकी बातों में आ गया। अब अश्विन शोभा की मदद करने में कतराता था। कभी कभार वे बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने अश्विन को विदेश जाने से मना कर दिया था और कहा कि यहीं कुछ काम कर लो। अश्विन ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया था। उसका परिवार भी अब बढ़ चुका था। अब उसके 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना अश्विन कमाता था उतना सबके लिए काफी नहीं था। काफी सोच विचार करने के बाद अश्विन ने ये फैसला किया कि वह अब शोभा के साथ शहर में जाकर रहेगा।
जहाँ पर शोभा भी काम कर पाएगी। वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वह अपने पैसों की तंगी को पूरा करेगा। परिवार वालों ने भी अश्विन को इजाजत दे दी। अश्विन चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर नहीं था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब शोभा नौकरी करती थी और अश्विन घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता था। कई साल ऐसे ही बीत गए। शोभा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की अश्विन के दिमाग में डाली हुई बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वे यहाँ पर भी शोभा का हाथ नहीं बताया करता। अश्विन अपने दिन रात ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने में इतना मशरूफ रहता। कभी कभी शोभा उसे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास लेके ही नहीं जाता। शोभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अश्विन बहुत ज्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में अश्विन के पास सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे, उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए। कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे अश्विन को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वे ये सोचता कि उसने भी तो शोभा के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो शोभा का जीवन साथी सिर्फ नाम नाम का ही था? जब साथ देने की बारी आती तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया। यहाँ तक कि शोभा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसे तकलीफ हो रही थी, वो नजरअंदाज करता आया। अश्विन को अब अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। पश्चाताप के आंसू अश्विन की आंखों से बहने लगे। उसे अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए शोभा से माफी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में साथ देना। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना फर्क वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप भी अपने जीवन साथी का साथ नहीं देते तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपके जीवन साथी सिर्फ आपका होगा आखिर तक और कोई नहीं, तो उनका साथ जरूर दीजिए। धन्यवाद।